तो आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे थे कि ब्रॉक लेसनर हाई फ्लाइंग मूव्स क्यों नहीं यूज करते, उसी के साथ साथ एजे स्टाइल्स के इतने वर्सेटाइल मूव्स जो थे वो एजे स्टाइल्स ने मारने क्यों बंद कर दिए, और रोमन रेंस जो है सबमिशन टाइप मूव्स क्यों नहीं मारते। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजे स्टाइल्स की, तो एजे स्टाइल्स एक रेसलर हैं जो कि हाई फ्लायर मूव्स मारने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, और उसी के साथ साथ चलते वो टीएनए में बहुत अच्छे हाई फ्लाइंग मूव्स मारते थे, बट इसी के टाइम चलते चलते उन्होंने काफी सारे मूव्स मारने बंद कर दिए। अब किसी को भी नहीं पता कि उसके पीछे क्या कारण है, जो भी कारण होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो होगा सुनने में। बट उससे पहले अगर मैं एक और चीज के बारे में बात करूं, तो रेसलर के टाइप्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रोमन रेंस क्यों नहीं यूज करते इस टाइप के सबमिशन मूव्स या फिर हाई फ्लायर मूव्स, वो क्यों कम करते हैं, बिकॉज वो पावर हाउस टाइप के हैं। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई है जिसके बारे में मैंने प्रॉपरली क्लासिफाइड किया हुआ है, जो कि वीडियो करीब एक या दो महीने पहले मैंने अपलोड की थी। आपको वो वीडियो जरूर सुननी चाहिए, उस वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं WWE के लिए जो आपको किसी के नहीं बताई होगी। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये एजे स्टाइल्स का क्या कनेक्शन है, तो एजे स्टाइल्स को एक्चुअली मैंने पिछले कुछ टाइम में एक वीडियो बनाई थी कि रोमन रेंस जो है वो इंजर है। मैंने ये बताया था कि रोमन रेंस को एक माइनर इंजरी है चेस्ट में, यानी कि चेस्ट ब्लड जिसके कि आगे हो सकता है, जिसके बारे में अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि चेस्ट ब्लड क्या होता है, और ये प्रॉब्लम्स जो है ये रिकवर नहीं होती। तो मेनली अगर हम ब्रॉक लेसनर की बात करें तो क्या हुआ था, ब्रॉक लेसनर पहले बहुत अच्छे तरीके से हाई फ्लाइंग मूव्स मारते थे, बट कर्ट एंगल के साथ एक मैच के दौरान जब वो ये मूव मारने की कोशिश कर रहे थे तो पहली बार उनका जो फाइनली एक हाई डाइविंग मूव जो था वो फेल हुआ था, जिसके चलते चलते कि ब्रॉक लेसनर की चार रिब्स क्रैक हो गई थी, और जिसके चलते कि ब्रॉक लेसनर को UFC में भी बहुत दिक्कत आई थी। ब्रॉक लेसनर को हर मैच के बीच में काफी लंबा डिस्टेंस रखना पड़ता था ताकि उनकी वो चेस्ट की प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। इसी के चलते चलते उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हाई फ्लाइंग मूव्स नहीं यूज करेंगे इसके बाद। अगर लेट करो, अगर एजे स्टाइल्स को भी वही प्रॉब्लम है तो शायद एजे स्टाइल्स भी वो वाले मूव नहीं यूज कर रहे, बिकॉज एजे स्टाइल्स चाहते हैं कि वो प्रॉपरली अपनी मर्जी से रिटायर हो और कुछ इस तरीके से नहीं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के हाई फ्लाइंग मूव्स और एजे स्टाइल्स के भी हाई फ्लाइंग मूव्स है फिर जो रेसलर्स यूज करना बंद कर चुके हैं उनके बहुत ज्यादा डेडली थे, जो कि जैसे कि जेफ हार्डी आज के टाइम पर यूज करते हैं उसी की तरह ये सब भी यूज करते थे, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था। और अगर इसी के साथ साथ अगर हम बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर का डिसाइड किया गया था कि ब्रॉक लेसनर ये वाले मूव्स जो हैं बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। सोचो यार, अगर ब्रॉक लेसनर फिर दोबारा से वो उड़ कर मूव्स मारे, अगर ब्रॉक लेसनर भी फिर दोबारा से उसी तरह से करे, तो कौन से रेसलर होंगे जो उनके कॉम्पिटिशन में सामने खड़े हो पाएंगे? कोई भी नहीं। बिकॉज अगर ब्रॉक लेसनर उन दोनों को कॉम्बिनेशन कर दें या फिर रोमन रेंस जो है सबमिशन मूव्स मारने स्टार्ट कर दें, और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें एजे स्टाइल्स की, तो एजे स्टाइल्स भी प्रॉपर पुराने वाले हाई फ्लाइंग मूव्स मारने स्टार्ट कर दे, तो कौन इनके कंपटीशन में खड़ा हो पाएगा? कोई भी नहीं। तो WWE को एक फेयर कंपटीशन बनाना है, तीनों बेबी फेस जो है इन रेसलर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना है और कहीं जगह पर वीक भी दिखाना है, तो इसके चलते चलते ये जो है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से WWE ने इन्हें क्लासिफाइड किया हुआ है ताकि हर एक सुपरस्टार हर एक तरह का मूव ना मार सके। तो अगर इस चीज की आपको इंडिपेंडेंट चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा जापान में, न्यू जापान प्रो रेसलिंग TNA भी इतनी बड़ी वर्सटाइल अपॉर्चुनिटी नहीं देता। जो भी है, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यार यहाँ तक वीडियो देखी ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं वर्मन।